हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपने आप को किस तरीके से फिट रख रखा है, क्योंकि जब भी मैं अपने इंस्टाग्राम पे या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो पोस्ट करती हूँ तो मुझे अपने फिटनेस से लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं या बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आपने ऐसा क्या डाइट चार्ट फॉलो करते हो या ऐसी कौन सी एक्सरसाइज आप करते हो जिससे आपने अपने आप को आपकी डिलीवरी के बाद में भी अपने आप को फिट रख रखा है। सो मैंने सोचा कि मैंने वैसे भी आप लोगों के साथ एक्सरसाइज एंड डाइट चार्ट प्लान शेयर कर रखा है 31 डेज का, जो मैंने अपने डिलीवरी होते ही 5 मंथ बाद स्टार्ट कर दिया था। बट बहुत सारे लोगों ने शायद वो देखे नहीं है वीडियोज़, या बहुत सारे लोग भूल गए हैं। सो मैंने सोचा आपको फिर से याद दिला दूँ कि मैंने फिटनेस से रिलेटेड वीडियो भी पोस्ट कर रखे हैं। सो यहाँ पे मैं सिंपल आपको फाइव स्टेप बताना चाहूँगी कि अगर ये 5 पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रख लो एवरी डे टाइम में, तो आप डेफिनेटली अपने आप को फिट बना सकते हो। आपका बेली फैट फिर से रिड्यूस हो सकता है, जैसा कि मैंने अपने आप को फिट रख रखा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है एंड उसके बाद में सेकेंड ऑपरेशन हुआ है ड्यू टू माई स्ट्रेचेज ओपन होने की वजह से। इसके बाद भी मैंने अपने आप को फिट रख रखा है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने आप का क्या डाइट चार्ट फॉलो करती हूँ, तो उसके लिए आप मेरा डाइट चार्ट प्लान देख सकते हो। बट बेसिक 5 पॉइंट्स जो मैं हमेशा अपने दिमाग में रखती हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को इतना फिट रख रखा है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप डिलीवरी के बाद में कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो, मेरा वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, एंड तक देखिएगा गाइज वीडियो, आपको समझ आ जाएगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत वीडियो बना रखे हैं कि आप डिलीवरी के बाद कैसे फिट रख सकते हो। बट बहुत ही सिंपल मेथड मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने आप को फिट रख सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल पॉइंट है जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। अगर आप लोगों को ये पॉइंट पसंद आते हैं तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं ब्यूटी से रिलेटेड, ब्यूटी प्रोडक्ट के रिव्यू से रिलेटेड, शॉपिंग हॉल से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, एंड बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो आपको खुद को फिट रखने में, आपका बेली फैट रिड्यूस करने में, आपको डिलीवरी के बाद बहुत ही अच्छा हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, वो है आपकी एक्सरसाइज। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, अगर आप अपनी लाइफ से प्यार करते हो, तो आपको अपनी लाइफ में, आपके डे टाइम में 24 आवर्स में 30 मिनट आपकी एक्सरसाइज के लिए निकालने हैं। चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप स्किपिंग करो, जो एक्सरसाइज आपको पसंद हो अपना वेट लूज करने के लिए या अपने आप को फिट रखने के लिए, वो आप एक्सरसाइज आपको करनी है। हम इतने सारे काम करते हैं, हम अपना लाइफ एंजॉय करते हैं, हम हर तरीके से जीते हैं, तो हम 30 मिनट्स तो अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए दे ही सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि है एक्सरसाइज। चाहे आप मॉर्निंग में करो, चाहे आप इवनिंग में करो, चाहे आप दिन में करो, जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप दिन में करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खाना खाने के 4 से 5 घंटे हो जाने चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। बेसिकली जो हमारा फूड होता है वो टोटली डाइजेस्ट होना चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। अगर आप 30 मिनट्स या 30 to 45 मिनट्स अपने आप को देते हो तो आप डेफिनेटली आप अपने आप को फिट कर सकते हो, जैसे कि मैंने फिट किया, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों में से हूँ, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हूँ। आप भी मेरी तरह अपने आप को फिट रख सकते हो, चाहे आपका सीजरियन हुआ हो, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज डाइट चार्ट प्लान। मैंने कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई डाइट चार्ट प्लान फॉलो नहीं किया, मैंने नॉर्मल डाइट फॉलो करी एंड नॉर्मल डाइट ही अभी फॉलो करती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमने अपने आप को फिट रखने के लिए डाइट फॉलो करना अच्छे तरीके से। बहुत सारे लोग जो हैं जंक फूड खाते हैं डिलीवरी के बाद में भी, या बहुत शुगर ऐड करते हैं अपने फूड में। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे अंदर एक्स्ट्रा फैट को, हमारे बेली फैट को जमा करती है, जिसको कम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गाइज हमेशा हेल्दी डाइट लें, चाहे आप, हाँ आपको मीठे का पसंद है तो आप महीने में एक बार या 2 महीने में 1 बार ले सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एवरीडे शुगर खा रहे हो या एवरीडे स्वीट्स खा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एवरीडे जंक फूड भी नहीं खाने, सभी जंक फूड के शौकीन होते हैं, मैं भी हूँ, बट हाँ मेरा एक प्लान होता है कि 15 डेज में या 1 मंथ में एक बार खा लिया, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। तो आपको एक प्रॉपर टाइम के हिसाब से आपको डाइट चार्ट लेनी है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है। आपको अच्छी खासी डाइट चार्ट बनानी है, उसको आपको फॉलो करना है। आप खुद के अकॉर्डिंग भी डाइट चार्ट बना सकते हो जिसमें लॉट्स ऑफ फाइबर हो, लॉट्स ऑफ प्रोटीन हो,
ऐसी आप डाइट चार्ट बना सकते हो। फैट्स कम होना चाहिए, ये खुद के अकॉर्डिंग भी डाइट चार्ट बना के आप फॉलो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप मेरी डाइट चार्ट फॉलो करें। अगर फिर भी आपको आइडिया लेना है तो आप मेरी डाइट चार्ट प्लान का वीडियो देख सकते हो, जो कि मैंने 31 डेज़ का बना रखा है कि मैंने क्या क्या खाया था, क्या क्या नहीं खाया था डिलीवरी के बाद में, सो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। नाउ कमिंग टू दिस थर्ड पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, हमारे स्किन को ग्लोई बनाने के लिए और हमारी हेल्दी, खुद के लिए हेल्दी होने के लिए, दैट इज़ वाटर। हमें जो एवरीडे टाइम में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। वैसे तो 5 to 6 लीटर होता है, बट अगर आप नहीं पी पाते हो तो एटलीस्ट ट्राई करोगे आप 4 लीटर तो आप अपने शरीर के अंदर ले ही लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारे एक्ने का जो प्रॉब्लम होता है वो भी कम होता है, जो हार्मफुल टॉक्सिन होते हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं, हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है एनी टाइम, हमारा स्किन ग्लो करता है। सो पानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड कहीं ना कहीं आपको खुद को फिट रखने के लिए भी वाटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो थर्ड पॉइंट आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आप अपनी एवरीडे टाइम में 24 आवर्स में एटलीस्ट 4 to 5 लीटर पानी ज़रूर पिए। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, दैट इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ नंबर पॉइंट, थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें बहुत सारे लोग मेंटली हेल्थ की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो अभी की बात नहीं है, जब भी आप सोचो हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप सोचो कि यस मैं आज 30 मिनट की एक्सरसाइज कर लूँगी और मैं अपने आप को फिट रखूँगी। चाहे आप स्टडी कर रहे हो तो सोचो कि हाँ मैं बहुत अच्छे से स्टडी कर लूँगी। चाहे आप यूट्यूब का वीडियो बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, हमेशा थिंक पॉजिटिव। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे तो ये आपको आगे बढ़ाने के लिए या आपको बहुत सारी लाइफ की जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है या पर्सनल चीज़ें होती है उससे भी अगर आप पॉजिटिव सोचोगे हमेशा तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प होएगी। यू नो मैं भी बहुत टाइम नेगेटिव हो जाती हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, नेगेटिव हो जाती हूँ, बट आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू थिंक पॉजिटिव। सो वो मेरे को एक अच्छी एनर्जी देता है अंदर से, एंड मेरा जो वर्क होता है उसमें मेरे को आगे बढ़ाता है और बहुत ही मेहनत से करने में मुझे आगे बढ़ाता है। सो पॉजिटिव जो थिंक होती है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है आपकी हेल्दी लाइफ के लिए, आपकी है खुशी वाली लाइफ के लिए या हैप्पी लाइफ के लिए। सो हमेशा पॉजिटिव सोचें। पॉइंट जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि जितनी नींद की हमें ज़रूरत होती है हमारी लाइफ में वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। कभी कभी होता है कि हम टेंशन के वजह से या फिर थकान की वजह से या बहुत चीज़ों की वजह से हम नींद नहीं ले पाते, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट 6 to 7 या 5 to 6 आवर की नींद जो है आप हमेशा लें। ये आपके डार्क सर्कल को कम करेगा, आपके आपको फिट रखने के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमेशा ये सोचें कि आप जितना हो सके आप एक अच्छी नींद लें, और हो सके तो सोने से पहले मोबाइल यूज़ नहीं करें। ये मेरी भी बहुत गंदी आदत है, बट मैंने कुछ दिनों से लास्ट 1 month से मैंने अपनी इस आदत को ओवरकम किया है। जब भी मैं बेड पे जाती हूँ तो उसके 1 घंटे पहले ही अपना मोबाइल छोड़ देती हूँ। तो ट्राई करो कि आप अपनी जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं उनका एक टाइम फिक्स कर लो कि चलो मॉर्निंग में मुझे 2 hours यूज़ करना है या दिन में मुझे 2 hours यूज़ करना है, शाम में मुझे 2 hours यूज़ करना है। मतलब ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग एक टाइम सेट कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सोशल मीडिया को एक्सेस करो, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि एवरी टाइम सोशल मीडिया पर रहना कहीं ना कहीं हमें मेंटली डिस्टर्ब करता है। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें परेशान करती कहीं ना कहीं तरीके से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर टाइम सोशल मीडिया आपको हैप्पी करता है, ऐसा नहीं है। सो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक टाइम फिक्स कर लें सोशल मीडिया का या अपने फ़ोन का, जो भी है वो फिक्स कर लें। सो एक अच्छी खासी आप नींद ले पाओगे, और सोने से पहले कभी भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखिए, जैसा कि अभी हो रहा है, तो आपको नींद लेने में बहुत ही अच्छी हेल्प होगी। अगर आप ऐसी न्यूज़ देखोगे तो हो सकता है आपको गंदे सपने आए या फिर आप सो नहीं पाओ, कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब हो जाए, वैसा काम नहीं करना है। सो ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा। आई होप गाइज आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, जैसा कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हो कि कैसे आपने अपने आप को फिट रख रखा है। सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ, एंड मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत महान हस्ती हूँ, आप भी इन्हीं सारे पॉइंट को फॉलो करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। सबके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, सबके अपने अपने रूटीन होते हैं, बट आप मुझे जो पूछते हो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको शेयर किया है कि मैं ये सब फॉलो करती हूँ। आप चाहे तो इन्हें भी फॉलो कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इन्हें बना सकते हो पॉइंट्स को। सो मे बी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। सो गाइज आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कोई भी क्वेरी हो आपको तो मुझे DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेल कर सकते हो, और आप चाहें तो मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हो। सो गाइज मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय।